वेलकम टू पाइथन गुरु स्टूडेंट गाइज, हम आपको पढ़ा रहे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन एंड इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेज विद पाइथन। गाइज, पिछले वीडियो में हमने पाइथन से रिलेटेड बहुत कुछ सीख लिया है। हमने इफ एल्स इफ नेस्टेड लूप पैटर्न प्रिंटिंग फॉर लूप व्हाइल लूप गाइज ये सब हमने देख रखा है अभी तक पाइथन की सीरीज में। आपका हाफिज अली तक का कोर्स हमने ख़त्म कर दिया है। आपको वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमने उसके पर्टिकुलर टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी तो आपको देखने में भी आसानी होगी। तो गाइज आज हम नया टॉपिक कवर चालू करने वाले हैं, पाइथन कलेक्शंस। गाइज इसमें ये तीन टाइप के होते हैं, लिस्ट टपल डिक्शनरी। अब बस हमारे पास ये पाइथन कलेक्शन के तीन टॉपिक ही बाकी है। गाइज हमने पूरा 11 का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आज हम देख रहे वाले लिस्ट फंक्शन। गाइज लिस्ट गाइज ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिस्ट? तो गाइज हम लिखेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लिस्ट इज अ कलेक्शन विच ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो गाइज इसमें एक रहता है कि हम लिस्ट में कि हम डुप्लीकेट भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमने 10 डाला तो हम इसमें एक और बार भी 10 डाल सकते हैं। गाइज हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिकल मोड में। तो गाइज अगर आप एग्ज़ाम में व्हाट इज लिस्ट आए तो आप गाइज आप ये लिख के आ जाइएगा। गाइज लिस्ट तीन दो टाइप की होते हैं, एक लीनियर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। गाइज लीनियर लिस्ट होती है, इट हैज़ ओनली वन डायमेंशन एरेज डाटा स्टोर इन द लीनियर फॉर्म। और गाइज और नेस्टेड लिस्ट होती है, गाइज इट हैव 2D एरेज डाटा स्टोर इन अ मैट्रिक्स फॉर्म रो एंड कॉलम्स। गाइज इसके हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ लीनियर लिस्ट। गाइज पहली वाली लिस्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। जैसे हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट हम बना सकते हैं ऐसी जिसमें हम 10, 20, 30 और गाइस उन वैल्यू को रिपीट भी कर सकते हैं। लिस्ट के लिए हमको ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट यूज़ करना पड़ते हैं और कोई भी कुछ फंक्शन नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हमको लिस्ट फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहे तो हमने लिख दिया माई लिस्ट। इंग्लिश लिस्ट में आप अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक वैल्यू एड्रेस फ़ोन नंबर किसी का भी नाम कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं और गाइज आप इन दोनों को कंबाइन करके भी डाल सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं एड्रेस फ़ोन नंबर नेम, तो गाइज हम लिस्ट का यूज़ इस काम के लिए करते हैं। फिर गाइज क्रिएशन ऑफ नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट विद इन अ लिस्ट। मतलब गाइज हमने नेस्टेड लूप पर आए, आउटर लूप इनर लूप, तो गाइज ऐसा ही रहता है। इसमें ये आउटर लूप हो जाता है और गाइज ये अंदर के इनर लूप हो जाते हैं। इसमें अगर हम इसमें भी हम दोनों सेम चीज़ डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू। और गाइज हम इसको एक लिस्ट को एक नंबर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिनोट। गाइज लिस्ट आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है जितने हम वैल्यू डालेंगे। जैसे ये फर्स्ट वर्ड गाइज 0 होगा और लास्ट वर्ड -1 होगा गाइज। तो गाइज आप समझ रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग पढ़ाया था गाइज, उसके अंदर हमने टॉपिक कवर कर रखा है ये चीज़ जिसमें लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है इन्फिनिटी। और हमको जैसे लास्ट वैल्यू प्रिंट करना है तो हमको -1 डालना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना है तो 0, सेकंड वैल्यू प्रिंट करना है तो 1। तो गाइज हम ये सब हम अब करके बता रहे हैं आपको। गाइज हम ये नेस्टेड लूप मैट्रिक्स इसमें हम डाल दिए, ऐसे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। गाइज क्रिएशन ऑफ नेस्टेड लिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। गाइज हम अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। हम वापस हमारा माई लिस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी जगह आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट 10, 20, 30। गाइज रिपीट भी कर सकते हैं। गाइज बस इतना करना पड़ता है, हमारी लिस्ट बन गई। फिर गाइज अगर हमको पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है हम लिखेंगे प्रिंट और लिस्ट का नाम गाइज जो भी आपने वेरिएबल में दिया हो। हमने माई लिस्ट दिया इसलिए हम माई लिस्ट डाल देते हैं। तो देखिए गाइज पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना है गाइज तो प्रिंट माई लिस्ट ब्रैकेट में, जैसे हमको फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना है तो गाइज 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो गाइज देखिएगा 10 प्रिंट हो गया। ऐसे ही हमको अगर सेकंड प्रिंट करना है तो गाइज हमको यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा।
गाइस 20 हो गया, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। हमको जैसे अब लास्ट प्रिंट करना है तो हम यहाँ -1 दे देते हैं। तो गाइस देखिए 20 प्रिंट हुआ है, -1 आखिरी हमने 20 दे रखा है। इसमें हमने आपको बताया इसमें रिपीटेशन अलाउ रहता है। तो गाइस जब हमने लीनियर लिस्ट के एग्जांपल देख लिया, आप और देखना चाहते हैं हम जैसे यहाँ पे सारी लिस्ट एक एक बार प्रिंट करके बता देते हैं। यहाँ पे हम 2 डाल देते तो गाइस देखिएगा 30 प्रिंट होगा। तो गाइस जैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 डालेंगे, ये 0 से स्टार्ट होती है गाइस, इसलिए ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर तो का हर बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस देखिए आई होप आपको लीनियर लिस्ट समझ में आ गई होगी। जो गाइस हम अब नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, इसमें भी हम माई लिस्ट एग्जांपल दे देते हैं। तो गाइस हमने जो पिछले में एग्जांपल में हम मैट्रिक्स ही ले लेते हैं एग्जाम, आप यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए गाइस हमको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर ब्रैकेट चालू करना पड़ता है अपनी लिस्ट के लिए। हम इसमें डाल देते हैं 10, 20, 30, 40। फिर गाइस ये हमारी एक अकेली लिस्ट बन गई है। हम एक और 3 लिस्ट ले लेते हैं गाइस, जिसमें भी हम वैल्यू डाल देते हैं 10, 30, 40, 60। जो गाइस आप जितनी चाहो उतनी वैल्यू डाल सकते हैं। फिर गाइस हमको इसमें कॉमा लगाना पड़ता है, हर लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हमको कॉमा लगाना पड़ता है। फिर गाइस हम दे देते हैं 33, 22, 32, 42, 43। फिर गाइस क्लोज और आउटर लूप भी क्लोज। तो गाइज हमारी लिस्ट बन चुकी है। अगर हमको प्रिंट करना है पूरी लिस्ट तो हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मैट्रिक्स जो हमने लिस्ट का नाम दे दिया, आप इसमें कोई भी एक अकेला वेरिएबल ले सकते हैं। तो गाइज ये प्रिंट हो चुकी है। अब गाइज हम आपको बता देते हैं इतना इतना पूरा 0 पे आएगा, इतना पूरा 1 पे आएगा, और इतना पूरा गाइज 2 पे आएगा। और -1 से देखेंगे तो इतना पूरा -1, यहाँ पे -2 और यहाँ -3। तो गाइज आई होप आप समझ रहे हैं। हम एक और बार ये चीज़ हम प्रिंट करके बता देते हैं। इसमें हम आने वाले वीडियो में हम इसमें अपडेट भी करके बताएंगे, लिस्ट को कैसे अपडेट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, उसमें एडिशन कैसे करते हैं। गाइज हम आज से बेसिक बता रहे हैं लिस्ट का। कल जो वीडियो आएगी गाइज इसमें हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स प्रिंट करना है गाइज। जैसे हम 0 पे जो पोजीशन है वो प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर देते हैं। तो गाइज देखिए पूरा प्रिंट हुआ, आप इसमें देख रहे थे एक एक वैल्यू प्रिंट हो रही थी। तो गाइज यही काम होता है नेस्टेड लिस्ट का। एक और ले लेते हैं। यहाँ पे गाइस 1 डालोगे तो सेकेंड वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ -1 डालोगे तो गाइस थर्ड भी, अगर यहाँ 2 डालोगे गाइस तब भी थर्ड लिस्ट ही प्रिंट होगी, और -1 डालोगे तो गाइस तब भी थर्ड लिस्ट ही प्रिंट होगी। -1 लास्ट से स्टार्ट होता है, 0 स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो गाइस देखिए दोनों बार सेम टू सेम प्रिंट हुई है। आई होप आपको नेस्टेड लिस्ट भी समझ में आई होगी। तो
और गाइस हम इसमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे हमको प्रिंट करना है मैट्रिक्स, गाइस इसमें मतलब है जैसे जीरो पोजीशन वाले लिस्ट में हमको प्रिंट करना है सेकंड वाला, मतलब गाइस हमको अगर प्रिंट करना है ये 30 प्रिंट करना अकेला, तो गाइस इसमें हम ऐसा कर सकते हैं जीरो और टू, मतलब गाइज इसका मतलब होता है जीरो पोजीशन की लिस्ट पे उसके अंदर वाला सेकंड पोजीशन का। गाइज देखिए 30 प्रिंट हो गया है, ऐसे ही आप कर सकते हैं सारी लिस्ट के साथ। हम दो तीन एग्जांपल और दे देते हैं गाइज, पहली लिस्ट का सेकंड भी अपन हम प्रिंट कर सकते हैं। गाइज देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है, इसका सेकंड देखिए ये 0 1 2, तो गाइस देखिए 40 प्रिंट हुआ है। तो गाइस इसे यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं। गाइज हम आप कैरेक्टर वाली भी हम बता देते हैं आपको, हमने अभी तक नंबर वाली देख ली, जैसे हम इसमें ABCD डाल देते हैं। इसमें आपको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा अल्फ़ाबेट, कॉमे से लिस्ट अलग होती है। और गाइज पूरा पैटर्न वही रहेगा, बस इसके जगह अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। हमको प्रिंट करना है माय लिस्ट 0, गाइस देखिएगा ए प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही माय लिस्ट 2, तो गाइस थर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सी प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे अल्फाबेट्स भी होते हैं, हम इसमें आपको पूरी लिस्ट भी तो हमको प्रिंट करनी है, जैसे गाइस प्रिंट माई लिस्ट, तो गाइस ABC हो गई, सारी लिस्ट प्रिंट हो गई। ऐसे गाइस हम मैट्रिक्स में भी बना सकते हैं, हम एक कंबाइन लिस्ट बना देते हैं। गाइस हम ये नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम 10 दे देते हैं ए, और गाइस 20। न्यूमेरिक में आपको कोई भी डबल कोट्स नहीं लगाना पड़ते, पर अल्फाबेट में लगाना पड़ते हैं। इसमें आप वैल्यू रिपीट भी कर सकते हैं। फिर गाइस ये लिस्ट बंद, एक और बना देते हैं गाइस हम। इसी एग्जांपल में हम दो चीज़ समझा देंगे आपको, हम ले लेते हैं एक और 20 30 ABC, XYZ, गाइस इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप कोई से भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं। गाइस अब प्रिंट मैट्रिक्स, गाइस ये देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। वैसे ही गाइस जैसे हम प्रिंट करते थे एक एक अकेले लिस्ट को, वैसे ही हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। वन पोजीशन पे गाइस ये 20 30 ABC XYZ वाले प्रिंट हो जाएगी। सॉरी गाइस यहाँ पे गैप हो गई है, वैसे देखिए प्रिंट हो गई है। वैसे ही हम माइन वो जीरो डाल दोगे गाइस, तो ए और बी वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए गाइस ये वाली लिस्ट प्रिंट हो गई, ये वाली फिर गाइस हम प्रिंट कर देते हैं। एक और चीज मैट्रिक्स गाइस, वन वाली लिस्ट में हम प्रिंट कर देते हैं सेकंड वाला, मतलब गाइस ABCD प्रिंट होगा। तो गाइस देखिए ABC प्रिंट हो चुका है,
गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिया, आपको समझाया अच्छे से। आप इसमें स्टार्ट एंड से भी प्रिंट कर सकते हैं, इस -1 डाल के स्टार्टिंग से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये गाइस, ये 0 से स्टार्ट होती है। हम आपको बता देते हैं, जैसे ये एक लिस्ट में हम एग्जांपल दे देते हैं गाइस। यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3। सो गाइस, ये पोजीशन होती है लिस्ट की, और एंडिंग से गाइस। ये हो जाएगी माइनस -4, -3, -2, -1। सो गाइज, ऐसी लिस्ट के पैटर्न होते हैं। ये जो हमने ये 10, 10, 20, 30 वाले लिस्ट में करके बताया है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, और ऐसे पाइथन से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनके आपके दोस्त भी हमेशा क्लास में आगे रहेंगे और आप भी आगे रहेंगे। तो गाइज, चलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।